चतरा में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध पथलगड्ढा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपी अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल की टीम ने पथलगड़ा थाना क्षेत्र के लेम्बोया तेतेरिया रोड से अफीम की खरीद फरोख्त में जुटे तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से प्लास्टिक में लपेट कर छिपाया हुआ 2 किलो अफीम, तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल व 2 स्कूटी के साथ विभिन्न कंपनियों के 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अधीक्षक महोदय, चतरा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि लेम्बोया तेतेरिया जो रास्ता जाने वाला है उस रास्ते पर कुछ लोग अफीम के खरीद-फरोख्त करने हेतु एकत्रित हुए हैं। इस आशय का सत्यापन छापामारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय छापामारी दल का गठन किया गया था। उस छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके उन खरीद फरोख्त करने वाले सभी तीनों लोगों को खदेड़ कर पकड़ा और तलाशी के क्रम में उनके पास से 2 किलो पट्टा अफीम बरामद की गई है। साथ ही साथ उनके पास से 3 बाइक जिसमें 2 स्कूटी और एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की गई है और 5 मोबाइल भी जब्त किए गए। लेम्बोया गांव के रहने वाले तेतरिया के हैं और एक है लोवागढ़ा के सदर थाना में।